नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, करण जौहर अपने प्राइवेट चैट शो में बहुत सारे पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं ऑन एक्टर्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो मैं आज वो करण जौहर से पूछना चाहती हूँ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अ पर्सनल क्वेश्चन कि क्या आप गे हैं। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू एवरीबॉडी, बिकॉज हमारे देश भारत के अंदर होमोसेक्सुअल होना या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना क्राइम नहीं है। सो व्हाई डजंट करण जौहर टॉक अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मेरा दूसरा सवाल है एकता कपूर से कि क्या आप लेस्बियन हैं। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओपनली, बिकॉज भारत की जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एंड दिस विल हेल्प द एलजीबीटी कम्युनिटी टू गेट मोर एक्सेप्टेंस इन द इंडियन सोसाइटी। सो ये मेरा सवाल है करण जौहर और एकता कपूर दोनों से, प्लीज एक्सप्लेन योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू पीपल, टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू नो। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के लिए बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, और इन बहुत सारे लोगों में प्रोमिनेंट नेम्स है एकता कपूर, करण जौहर एंड सलमान खान, द बॉलीवुड गैंग, जो समझता है कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। मगर इन नामों में से एकता कपूर और करण जौहर को पद्मश्री दिया जा रहा है बाय द मोदी सरकार। मुझे लगता है कि इनको अब पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व इट आफ्टर व्हाट दे डू टू न्यू कमर्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। जी हाँ, ये लोग गैंग बनाते हैं, लोगों से काम छीनते हैं अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती। एंड ऑब्वियसली जब इनकी ये सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, तो एज एन इंडियन सिटीजन आई वुड नॉट लाइक टू सी एन एकता कपूर एंड एन करण जौहर रिसीविंग अ नेशनल अवार्ड दैट इज अ पद्मश्री फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा। एकता कपूर ने कहा है कि उसने तो सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेक दी है, मगर एकता कपूर तो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है कि वो ब्रेक उन्हीं लोगों को देती है जो न्यू कमर्स होते हैं, सो दैट वो उनसे 20-20 घंटे काम करा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या ना के बराबर पैसे में। क्योंकि जब मैंने उसके साथ नच बलिए में काम किया था, तो हमने हमारी पेमेंट मांगने के लिए 3-3 महीने तक हमको लटकाया था, एज इफ वी आर सम बेगर्स। दैट्स हाउ दे वर्क, दैट्स हाउ दीज टेलीविजन प्रोड्यूसर्स मेक मनी। दे डोंट इवन गिव यू पेमेंट दैट यू डिजर्व, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप द पेमेंट विद देमसेल्व्स सो दैट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। तो एकता कपूर, आपने किसी को ब्रेक नहीं दिया, आप न्यू कमर्स को ब्रेक देती है सो दैट आप न्यू कमर्स से 20-20 घंटे काम करा सके, जबकि रूल है कि 12 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं होनी चाहिए। रही बात करण जौहर की, करण जौहर, यू से दैट यू वर्क विद स्टार्स, यू कैन वर्क विद स्टार्स एंड मून्स एंड व्हाटएवर यू फील लाइक, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नोबडी इज गोइंग टू वॉच योर फिल्म। सो टेक अवे द पद्मश्री दैट हैज बीन अवार्डेड टू करण जौहर एंड एकता कपूर, एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू मोदी सरकार। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैंने कुतिया शब्द का प्रयोग किया कि वो एक अब्यूज है। जी हाँ, मीडिया ने टाइटल निकाला कि पायल यूजेस अब्यूजिव ट्वीट्स, मगर वो मीडिया भूल जाती है कि स्वरा भास्कर चू करके शब्द का प्रयोग करती है, और उसकी मेंटर सोनम कपूर आंटी फकिंग शब्द का प्रयोग करती है, और उसने ये फकिंग शब्द का प्रयोग अब किया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर सब लोग चर्चा कर रहे थे। वो कहना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए आप गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, कलीग्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सोनम कपूर, आपको क्या पता कि सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट, क्योंकि आप तो एक अनिल कपूर की डॉटर है जिसे अवार्ड भी मिल जाता है, नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है एक फ्लॉप फिल्म निर्जा के लिए जिसको एक्टिंग तक नहीं आती। आपको क्या पता सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज बॉयकॉटेड, नॉट यू। आप बैठ के भारत देश के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बकबक करती रहती है, और उसके बावजूद आपको काम मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके फादर अनिल कपूर जाके चाटते हैं बीजेपी सरकार की, और उनके फ्रेंड है अनुपम खेर जी। मुझे नहीं पता व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द सेटिंग्स, बट यू डिडंट डिजर्व द निर्जा अवार्ड दैट यू गॉट फ्रॉम द सरकार, बट येट यू गॉट इट, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट सोनम कपूर, यू आर अ वुडन एक्टर, सो यू हैव नो राइट टू से कि दिस इज फकिंग मीन स्पिरिटेड एंड दिस इज नॉट फकिंग मीन स्पिरिटेड, एंड फकिंग इज अ अब्यूज फॉर ऑल दोज मीडिया पीपल जिन्होंने कहा कि कुतिया शब्द का प्रयोग करना अब्यूज करना है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूं कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सोनम कपूर की बकवास को शेल्टर करते हैं जो उसके पीआर के लिए काम करते हैं। आई डोंट नो हु इज द पीआर, रेनड्रॉप पीआर और व्हाटएवर इट इज, बट सोनम कपूर, सुशांत सिंह राजपूत डाइड बिकॉज ऑफ द लॉबिंग दैट इज डन बाय पीपल लाइक यू, जो समझते हैं कि दे ओन बॉलीवुड। यू गाइज डोंट ओन बॉलीवुड। आप लोगों को ब्रेक्स मिली है अभी तक, मगर आज के बाद आपकी कोई भी फिल्म नहीं चलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। नमस्ते, मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा, 2016 का था, वहां पर सलमान खान पूछ रहे थे हु इज सुशांत सिंह। सलमान खान को 2016 में नहीं पता था हु इज
सुशांत सिंह राजपूत, मगर सलमान खान चाहते हैं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए हु इज आयुष शर्मा, क्योंकि आयुष शर्मा ने उनकी बहन अर्पिता से शादी करी है। दिस इज बॉलीवुड एंड दिस इज नेपोटिज्म। जी हाँ, आप सबने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बॉलीवुड के बिगीज ने बीइंग ह्यूमन होने का ड्रामा किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ट्वीट कर दिया तो सब बॉलीवुड के सो कॉल्ड दोगले लोगों को लगा कि उनको भी जल्द अपना शोक जताना चाहिए। वो बॉलीवुड के दोगले लोग जिनको अभी तक शायद नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज कि ही वुड कमिट सच अ ह्यूज स्टेप दैट वुड एक्चुअली एंड हिज लाइफ। मगर बॉलीवुड के लोग अब अपना पारिवारिक प्यार दिखा रहे हैं। वो बॉलीवुड के लोग जो ऑब्वियसली सीक्रेटली विश करते हैं कि का करियर खत्म हो जाए जब मुंह के ऊपर एक दूसरे को अपनी फिल्म्स के लिए बेस्ट विशेस विश करते हैं। सो दिस इज बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जहां पे करण जौहर ने खुद बोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था फॉर वन ईयर, बट अब ट्वीट कर रहा है, एक पोस्ट कर रहा है हार्ट ब्रोकन के साथ, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो कितना अच्छा इंसान है। आलिया भट्ट जो हरदम अपनी बहन की डिप्रेशन के ऊपर बात करती है और टीआरपी खाती है, उसे नहीं पता था कि किसी को मॉक करना एक्चुअली उसे हर्ट कर सकता है। वो आलिया भट्ट एक्चुअली जब कंगना को पद्मश्री मिलता है तो उसे बुके भेजती है, जब कंगना की बहन ने उसकी सच्चाई एक्सपोज करी हुई है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ऐसे दोगले फेक लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, एंड मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग एक्चुअली अब सुशांत की मौत के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जहां पर आप अपने सुपरस्टार्स को भगवान का दर्जा देते हैं, मगर ये सुपरस्टार्स एक्चुअली सुपरस्टार्स नहीं है, भगवान बनने के लायक भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली दीमक की तरह भारत को खा रहे हैं, दीमक की तरह भारत की संस्कृति को खा रहे हैं, दीमक की तरह सनातन धर्म को खा रहे हैं। नमस्ते।